हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको काले चने की घुघनी बनाना सिखाऊंगी। इसे कई जगह पे घुघनी भी कहा जाता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे आसानी से सुबह शाम के नाश्ते में बना के खा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए काले चने की घुघनी बनाना शुरू करते हैं। काले चने की घुघनी बनाने के लिए हमें चाहिए काला चना, इसे देसी चना भी कहा जाता है। और मैंने इसे रात भर के लिए भिगो के रखा था और सुबह धुल लिया है इसे अच्छे से। और इसके लिए हमें चाहिए प्याज दो बारीक कटे हुए, नमक, हींग, हरी मिर्च, लहसुन, तेल और गार्निश के लिए धनिया। तो कढ़ाई मैंने पहले से गर्म करके रखा है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं 2 चम्मच। इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा इसे भून जाने दीजिए। ये थोड़ा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छे से भून लेते हैं। प्याज भून के रेडी हो गया है, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हींग डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और हींग अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें चने डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से चना भून गया है, अब हम इसे गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं और इसे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। देख लेते हैं, आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें धनिया मिला लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसे बॉईल करके भी ऐसे ही बना सकते हैं, ये बहुत ही इजी होता है। तो चलिए धनिया से इसे गार्निश करते हैं। हम धनिया को मैंने मिक्स कर लिया है, अब गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, गर्मा गर्म घुघनी बनके रेडी हो चुकी है। आप इसे सुबह शाम के नाश्ते में आसानी से बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही इजी होता है। एक बार ज़रूर आप इसे अपने घर में ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घुघनी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।